बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम उबैद और मैं धावा का पाकिस्तान में टेक्निकल लीड इंजीनियर हूँ। और आज हम बात करेंगे धावा के टाइम अटेंडेंस सॉल्यूशन पे। अगर आप वेबसाइट पे विजिट करें तो हमारे एक्सेस कंट्रोल के जो है ना सेक्शन में जो है टाइम अटेंडेंस की कुछ मशीन्स अवेलेबल हैं इस वक्त, जो पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं। और इनमें जो तीन मॉडल बड़े पॉपुलर हैं, एक है ASA 1222G और जी डैश डी। डी जो है सिर्फ क्या करता है, डिफाइन आपका कि ये EM कार्ड के साथ है, और जी जो है सिंपल, अगर जी होगा तो ये माई फेयर कार्ड है। और 1222E-S ये भी टाइम अटेंडेंस टर्मिनल है। इसमें और इसमें जो मेजर फर्क है वो ये है कि इसमें एक तो बैटरी है आपकी जो कि 7 से 8 घंटे का बैकअप देती है आपको, और इसमें जो है आपके पास बैटरी नहीं है। दोनों डिवाइसेस 1000 यूजर, तीनों डिवाइसेस 1000 यूजर्स तक के लिए सपोर्टेड है। और इसमें माई फेयर कार्ड के साथ जो है EM कार्ड वाले भी ऑप्शन अवेलेबल है, डैश डी वाले मॉडल। इसमें जो है आपके पास सिर्फ फिंगरप्रिंट है। और ASA 2212A जो है ये काफी पिछले साल 2018 से हम यूज कर रहे थे स्मार्ट DSS वर्जन के साथ। और इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये कि जो है ना, जब कोई बंदा अटेंडेंस मार्क करता है तो उसकी पिक्चर भी ये ले लेता है। इसमें एक कैमरा भी है 1.3 मेगापिक्सल तक का, ठीक है। इसमें भी माई फेयर कार्ड, इसमें सिर्फ माई फेयर कार्ड है, और ये भी 1000 यूजर्स के लिए। एक और डिवाइस है जो कि बिल्कुल स्टैंड अलोन है। इन तीन डिवाइसेस के अंदर लैंड पोर्ट है और ये सॉफ्टवेयर अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हैं और स्टैंड अलोन मोड पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ये है ये टोटली स्टैंड अलोन डिवाइस है ASA 1222E, और इसमें कोई बैटरी नहीं है, इसमें कोई कार्ड नहीं है। सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन इसकी डिवाइस के ऊपर ही हमने करनी होती है। और अगर इसकी आपने अगर ये डिवाइस आपके पास अवेलेबल है तो आप अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना आती आपको, तो इसके लिए मैंने धावा टेक्निकल इंजीनियर यूट्यूब पे चैनल जो है उसकी पूरी डिटेल के साथ जो है ना वीडियो हर हर फंक्शन की अटेंडेंस की जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। तो अगर आपने नहीं देखा तो मैं इन द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग सेशन जो है मैं इसका लिंक भी आपको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो तीन डिवाइसेस धावा ने इंट्रोड्यूस करी हैं, और उसमें जो पहले हम यूज़ करते थे सॉफ्टवेयर वो था स्मार्ट DSS। बहुत ज़्यादा मार्केट के लोगों ने हमें फीडबैक किया कि हम जो है हमारे कस्टमर्स जो है वो स्पेशली मांगते हैं कि सिर्फ अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर हो। तो धावा ने जो है अब जो है अपना जो है अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर जो है रिलीज़ कर दिया है, और उसका नाम सेम ही है स्मार्ट PSS, लेकिन साथ में आएगा AC अटेंडेंस कंट्रोल, ठीक है। तो ये इसका इंटरफेस है, आप देखें तो ये PSS की तरह ही है। और अभी जो इसकी लिमिटेशंस हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो है ये 32 डिवाइसेस जो है फ्री वर्जन अवेलेबल है। अगर 32 से ज़्यादा जाना है आपने तो आपको जो है फिर DSS एक्सप्रेस या DSS प्रो की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। 32 चैनल जो है इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जो है 32 चैनल को सेंट्रलाइज मैनेज कर सकते हैं पूरा अटेंडेंस रिकॉर्ड उनका, ठीक है। और इसके अंदर जो है ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं उनके ऊपर भी बात करता हूँ, लेकिन ये जो है अभी क्योंकि ये फर्स्ट वर्जन है तो इंशाल्लाह इसके अपग्रेडेशन आती जाएंगी ऐसा ऐसा जैसे जैसे हमें फीडबैक मिलेगा। अभी जो फर्स्ट वर्जन है ये जो है क्योंकि हमारी डिवाइस जो है मोस्टली डिवाइसेस 1000 यूजर सपोर्ट करती हैं जो टाइम अटेंडेंस के हैं, तो ये सॉफ्टवेयर भी 1000 यूजर तक ही आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो 1000 यूजर्स की अटेंडेंस का पूरा सोल्यूशन अगर 32 डिवाइसेस का सेंट्रलाइज करना है तो वो इस डिवाइस से लोकल नेटवर्क पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्मार्ट PSS का ही मॉड्यूल टाइप ही है, लेकिन ये बिल्कुल सेपरेट है, इसकी इंस्टॉलेशन सेपरेट है, ये PSS के अंदर नहीं होता, ठीक है। अगर PSS भी यूज करेंगे तो उसमें भी ये चीजें हैं, और PSS यूज करने का फायदा आपको सिर्फ ये होगा कि कैमराज और अदर प्रोडक्ट्स भी आप यूज कर सकते हैं इनकॉर्पोरेटेड विद एक्सेस कंट्रोल एंड अटेंडेंस डिवाइसेस, ठीक है। उसमें भी अटेंडेंस का मॉड्यूल है, लेकिन जिन कस्टमर्स को सिर्फ अटेंडेंस का मॉड्यूल चाहिए होता है तो उनके लिए हमने ये रिलीज किया है। और इसमें कुछ कूल फीचर्स भी हैं जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, अगर इसको स्टार्ट करें तो इसके अंदर जो है डिफरेंट टैब्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो है आपके PC की परफॉर्मेंस है, CPU RAM की तरह यूजेज है ताकि आप उसको मॉनिटर भी कर सकें और सॉफ्टवेयर क्रैश ना हो, उस किस रीज़न से हो रहा है तो वो भी आप इससे मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जैसे बेसिक सेटिंग्स हैं, ऑटो चेक टाइम है एवरी टाइम, टाइम जो है डेट और टाइम की जो सेटिंग है ऑटोमेटिक चेक करें, ठीक है। डेट फॉर्मेट, उसके बाद बैकअप का क्या ऑटो बैकअप लेना है आपने सॉफ्टवेयर का या नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद
अटेंडेंस सेटिंग्स में वही पाथ्स वगैरह और बैकअप वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपको देख सकते हैं, आपने अगर लॉग आउट करना है, यूजर मैनुअल अगर आपको चाहिए तो इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है पीडीएफ फाइल। अगर आपको कोई फंक्शंस वगैरह समझ नहीं आ रहे तो इसमें पीडीएफ भी अवेलेबल है कम्प्लीटली, ठीक है। उसके बाद जो है ना, अगर आपको कोई मसला आता है तो आप इस वर्जन की पिक्चर के साथ जो है हमें रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि फर्मवेयर अपग्रेड होते रहते हैं इसके पीएसएस के भी, तो हमें जो है इससे भी आइडिया हो जाता है काफी चीजों का, ठीक। उसके बाद जो है स्विच यूजर करेंगे तो ये आपका जो है लॉग आउट हो जाएगा, और लॉक स्क्रीन करेंगे तो लॉक हो जाएगी स्क्रीन। आपको पासवर्ड देना पड़ेगा इसका, जो कि मैंने अभी रखा हुआ है admin123, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, जो अपनी जो कैपेसिटी है उसमें यूजर मैनेजमेंट कर सकते हैं आप, इसमें यूजर्स बना सकते हैं उसमें जो भी आपने, क्योंकि मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं कभी कभी यूज हो रहे होते हैं, तो वहां से भी आप यहाँ इसको कंट्रोल। लेकिन ये याद रखिएगा, ये सॉफ्टवेयर क्लाइंट आर्किटेक्चर, सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर नहीं है। अगर आपका एडमिन कोई भी चेंजेस करता है तो वो लॉग आउट के बाद इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। इसके ऊपर मैं डिटेल भी जो है इंफॉर्मेशन ले लूंगा हेडक्वार्टर से, और जो है आप लोगों से शेयर करूंगा कि किस तरह से ये हम अगर जो है ना, अगर कोई एडमिन चेंजेस करता है किसी चीज के अंदर, तो वो दूसरे क्लाइंट जो ऑनलाइन है उनको लॉग आउट किए बगैर जो है इंफॉर्मेशन मिल जाए वो वाली, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक यूजर बैठ था, उसको पर्सनल मैनेजर की इंफॉर्मेशन की इजाजत नहीं थी, ठीक है, तो एडमिन जो है उसको इसकी एक्सेस दे देता है, तो उसको लॉग आउट करके लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा, तब ये पर्सनल मैनेजर की नई ऑप्शन जो है ना नजर आना शुरू हो जाएगी उसको, ठीक है। अच्छा, यूजर मैनेजमेंट भी इसमें अवेलेबल है। उसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट चीज है वो डिवाइस मैनेजर में, आप जिस तरह से आईपी सर्च करते थे डिवाइस का, ठीक है, और ऑटो सर्च कर सकते हैं जिसमें डिवाइसेस आ जाएंगी आपकी, और अगर मैन्युअली ऐड करना है तो आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, तो आईपी देंगे, उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड देंगे। जो मैं यूज इस वक्त कर रहा हूँ वो है 1212G-D, ठीक है, तो इसका जो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड था वो admin था, ठीक है। और आजकल क्योंकि डिवाइसेस सिक्योरिटी बेस्ड के साथ आती हैं, तो फर्स्ट टाइम जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये इनिशियलाइज भी होती हैं डिवाइसेस, तो जो भी आप यूजर नेम पासवर्ड रखेंगे उसका, तो वो आप यहां पर दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस डिवाइस के बारे में भी अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि इसकी कैपेसिटी क्या है इस डिवाइस की, और फंक्शन और फीचर्स कैसे हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक यूट्यूब का अलग से वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, तो वो भी मैं लिंक आपसे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, और वीडियो की जो हमारा जो कमेंट बॉक्स है वहां पर भी मैं पेस्ट कर दूंगा इसको, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना हम बात करते हैं फंक्शंस की और फंक्शनैलिटीज की, और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कुछ, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा टैब है यहाँ पर वो है कंडीशन मॉनिटर। यहाँ पर क्या होगा कि जो आपकी अटेंडेंस लग रही होगी रियल टाइम में उनका डाटा आएगा, लेकिन इसको जब आप क्लोज कर देंगे तो वापस जब जाएंगे तो आपको जो है ये डाटा क्लियर नजर आएगा हर दफा में। तो ये स्क्रीन अगर आपने देखनी है तो ये रियल टाइम डाटा जो आपका आ रहा होगा उसका होगा एनालिसिस। जैसे कि अभी क्योंकि मैंने डिवाइस को जो है एक अटेंडेंस लगाई है, तो ये आपके पास डाटा आ गया इसका, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग है इसकी, ठीक है, लाइव व्यू है एक तरह से यूं कह सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर मैं जो है दोबारा जाता हूँ इसके अंदर तो ये डाटा क्लियर हो गया, देखा, ठीक है। तो ये स्क्रीन अगर खुली रहेगी और आपको लाइव डाटा का एनालिसिस करना तो वो भी कर सकते हैं आप इस पेज पे, ठीक है। इसको बंद अगर ना करें तो फिर जो है ये रहेगा डाटा, ये जैसे अभी मैंने एक और अटेंडेंस लगाई है, ठीक है, अगर मैं इसको नहीं बंद करता, टैब को क्लोज नहीं करता, तो ये रहेगा डाटा। अगर क्लोज करके वापस आऊंगा तो ये डाटा खत्म हो गया, ठीक है, तो क्लियर कर देगा ये डाटा को। अच्छा, इसकी जो लॉग कैपेसिटी है वो अभी 100,000 की रखी गई है, 1,00,000 यूजर्स, 1,00,000 जो है अटेंडेंस का डाटा जो है, 1,00,000 लॉग्स इस सॉफ्टवेयर के जरिए जो है डीवी में सेव हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये फर्स्ट वर्जन है, तो अपने अभी परेशान नहीं होना कि ये कम कैपेसिटी है, या आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि जो है ना इसमें ज्यादा चाहिए हमें कैपेसिटी, या इसकी क्या क्या चीजें इंप्रूव करने वाली हैं। लेकिन फर्स्ट आप इसको खुद जब ट्राई करेंगे और जो आपके यूजर्स आप देखेंगे कि स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री में अगर देखें
चीज है, तो 1000 यूजर्स इज इनफ फॉर लाइक ऑफिस और बिल्डिंग और किसी भी जगह पर जो है अटेंडेंस के लिए, या फिर बहुत कम जगह ऐसी है जहां पर 1000 यूजर्स ज्यादा का सोल्यूशन लगता है पाकिस्तान में। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रीज होती है जहां पर 5-5 हजार, 10-10 हजार या 50-50 हजार यूजर्स होते हैं, ठीक है। तो बाकी जो नॉर्मल ऑफिस बिल्डिंग के सोल्यूशन है तो वहां पर ये डिवाइसेस हम यूज कर सकते हैं टाइम अटेंडेंस की। और फिर बता रहा हूँ कि ये लो एंड सॉल्यूशंस के लिए बात की है कि ठीक है, इसके नेक्स्ट वर्जन्स होंगे आपको काफी इंप्रूवमेंट उसमें नजर आएगी, यूजर्स भी बढ़ेंगे उसमें, लॉग्स के भी तादाद बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने एक डिवाइस ऐड करा लिया है, ये है पर्सनल मैनेजर। इसमें आप सारे अपने यूजर्स का डाटा इकट्ठा करेंगे, अटेंडेंस की मैनेजमेंट करेंगे, उनकी जो आपने परमिशंस देनी है डोर के साथ कंट्रोल का, क्योंकि करेंगे तो उसके साथ भी आप परमिशंस देंगे तो यहाँ से डाटा सिंक्रोनाइज होगा। फिर अटेंडेंस मैनेजर में आपको डिफरेंट तरह की जो है आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी, लॉग क्यूरी में जो है आपको जो सिस्टम आप क्लाइंट की या डिवाइस के लॉग्स अगर फेच करना चाहते हैं, डिवाइस के लॉग्स में क्या क्या है, सिस्टम ऑपरेशन कॉन्फ़िग, अलार्म, रिकॉर्ड, अकाउंट क्लियर, कोई भी डिवाइस के जो लॉग्स होंगे वो भी कर सकते हैं। और क्लाइंट क्या है कि स्मार्ट पीएसएस के जो लॉग्स होंगे इसी सॉफ्टवेयर के, कि किसी ने कोई चीज किया, ऑपरेशन लॉग है इसमें क्या क्या स्टार्ट लियो, ये डिफरेंट तरह के जो है ना इसके अंदर एड यूजर, किसी ने कोई यूजर बनाया है तो वो जो है किस तरह से आपको सारे लॉग्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना अटेंडेंस मैनेजर का भी मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। ये आपके अटेंडेंस पीरियड, अटेंडेंस शिफ्ट स्केड्यूल, अटेंडेंस प्रोसीजर, इस पर डिटेल में अभी बात करते हैं। पहले मैं फर्स्ट टैब आपको समझाता हूँ, कंडीशन भी हो गया। पर्सनल मैनेजर में आपका यूजर का डाटा आ गया, अटेंडेंस मैनेजर में आपकी रिपोर्टिंग और शिफ्टिंग सारी आ गई, लॉग्स में आपके सिस्टम के सारे लॉग्स आ गए, डिवाइस के सारे लॉग्स आ गए, डिवाइस मैनेजर में आप डिवाइसेस ऐड करेंगे, यूजर मैनेजर में आप स्मार्ट पीएसएस के यूजर्स को एक्सेस देंगे मल्टीपल यूजर्स अगर बना रहे हैं तो। ये बहुत अच्छा फंक्शन रखा है एक अटेंडेंस गाइड के नाम से। अगर आप फर्स्ट टाइम लेमैन लैंग्वेज है, आपको समझ नहीं आती सॉफ्टवेयर की, आपने कभी यूज ही नहीं किया अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे कुछ लोगों ने किया होता है तो उनको एक्सपीरियंस होता है कि कौन सा फंक्शन किस लिए है और किस तरह से होता है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आपको मेरी वीडियो से भी, इस वीडियो से और ट्रेनिंग सेशन से भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई कस्टमर होता है, जैसे आप उसको डिवाइस दे देते हैं वो खुद कॉन्फ़िगर करना चाहता है, तो गाइड भी हमने दिया है कि ये प्रोसेस क्या है पूरा। पहले वो कहता है कि अटेंडेंस डिवाइस आप इसमें डिवाइस मैनेजर में जाकर ऐड करेंगे, उसके बाद आप यूजर्स का डाटा बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास शिफ्ट अटेंडेंस का, उससे पहले आपने क्या बनाना है, अटेंडेंस पीरियड, अटेंडेंस पीरियड के बाद क्या बनाना है, अटेंडेंस शिफ्ट, उसके बाद शिफ्ट स्केड्यूल बनाना है आपने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्टेटिक्स देखने हैं, प्रोसेस देखना है, उसका रिपोर्टिंग देनी है, ये पूरा एक प्रोसीजर है। और आप वन क्लिक में जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे वही टैब खुल जाएगा, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन दे दिया इन्होंने। पर्सनल मैनेजर में यूजर का डाटा आ गया, ठीक है, उसके बाद जो है उस अटेंडेंस पीरियड में जाएंगे तो आपके पास ये अटेंडेंस का पीरियड आप बना सकते हैं इसके अंदर कोई भी, ठीक है। उसके बाद अटेंडेंस शिफ्ट की बात करें तो फिर अटेंडेंस शिफ्ट आ जाती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर वन क्लिक में आप जो भी आप करना चाहते हैं वो यहीं से बैठ के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा गाइडेंस सिस्टम है, ठीक है। अब जैसे मैंने डिवाइस ऐड कर लिया, दूसरा प्रोसीजर क्या था कि मैंने यूजर ऐड कराना है, यूजर ऐड कराने के लिए मुझे पर्सनल मैनेजर पे करना है, ठीक है। मैं एक टेस्टिंग एक और यूजर आप लोगों के लिए, एक तो मैंने अपना बनाया हुआ था तो एक और मैं यूजर बनाता हूँ, ठीक है। ये आ गया जी, इसके नाम मैं रख लेता हूँ कि सॉरी आईडी दे देता हूँ इसको मैं दो, ठीक है। उसके बाद मैं इसको नाम दे देता हूँ कोई भी, फॉर एग्जांपल उस्मान, ठीक है। अगर मैं इसमें डिपार्टमेंट मैंने बनाए होंगे पहले, मैं डिपार्टमेंट यहाँ से यहाँ पे राइट क्लिक करके डिपार्टमेंट बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि अल्लाह की हो जाए ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए। यहाँ से जो है ऐड करेंगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है मैं डाल देता हूँ कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसमें डिफॉल्ट कंपनी में, ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, और यहाँ पर हम जो है इंजीनियर डिपार्टमेंट के अंदर एक यूजर बनाते हैं, ऐड के ऊपर क्लिक किया,
एट के बाद मैंने आईडी दे दिया, दो इसका नाम रख दिया उस्मान, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रख दिया, ठीक है। उसके बाद कार्ड का मैंने, अगर कार्ड मैंने देना है तो कार्ड ईश्वर से भी दे सकते हैं, इसके साथ यूएसबी वाला हमारा रीडर भी लग जाता है, कार्ड रीडर, उसका मॉडल भी जो है अवेलेबल है, अगर आप वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ASM 102 भी है, 101 भी है, ठीक है। तो अभी अगर आप डिवाइस का एक्सेस रीडर यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप सिलेक्ट करके, अब यहाँ पर आप टैप रखेंगे, ठीक है, तो ये कार्ड का नंबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्योंकि नहीं कर रहा तो मैं फर्जी कोई भी कार्ड नंबर दे देता हूँ, ठीक है। इधर अगर आपने डिवाइस का पासवर्ड, क्योंकि ये पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और कार्ड, तीन चीजें ऑप्शन अवेलेबल है इसके अंदर, ठीक है, तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, मैं पासवर्ड क्योंकि नहीं दे रहा, इस पे फिर वैलिडिटी है कि बाय डिफॉल्ट ये 3653 दिनों की देता है, यानी 10 साल की दे रहा है ये एक्सेस, ठीक है। अगर आपने कंट्रोल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे टेम्परेरी कार्ड्स होते हैं, टेम्परेरी यूजर्स होते हैं, 3 महीने की इंटर्नशिप वाले कार्ड होते हैं, तो उस तरह से भी आप लोगों की अटेंडेंस को, यूजर्स को बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा इन्फॉर्मेशन है फिंगरप्रिंट, इसमें भी आपके पास यूएसबी फिंगरप्रिंट, यूएसबी वाला रीडर आता है, तो यहाँ से ही बैठ के आप यूजर को रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि मैं डिवाइस के बिल्कुल पास बैठा हूं तो मैं जो है अटेंडेंस डिवाइस का रीडर ही यूज करना चाहता हूं, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर डिवाइस के लिए जो है ना फिंगरप्रिंट रख रहा हूं, 3 दफा ये जो है ना मुझे कहेगा, और 3 दफा ये, तीसरी दफा हो गया, सक्सेसफुली हो गया, तो ये अब आपको कहेगा कि सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया फिंगरप्रिंट, ठीक है। अब आपकी फिंगरप्रिंट कलेक्ट हो गई। अब आपने नेक्स्ट डिटेल में क्या देना है, आईडी दे, फॉर एग्जांपल आईडी कार्ड नंबर है 3715850, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, कोई भी दे दें, ठीक है। टेलीफोन नंबर है, कंपनी का नाम है, उसके बाद फोन है, ऑक्यूपेशन है, ठीक है, मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है। उसके बाद ईमेल वगैरह बला बला, ठीक है। ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, और इसका ये भी मैं आपको बताता हूँ कि बैकअप भी ले सकते हैं फिर, ठीक है, ताकि जो है ना नेक्स्ट टाइम के लिए आपको आसानी हो, मेलिंग एड्रेस है, रिमार्क्स कुछ भी देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद परमिशन कॉन्फ़िगरेशन है, मेरे पास जो है ये डिवाइस ऐड हुई है ऑफिस डोर के नाम से, तो मैंने यहाँ से बैठे परमिशन भी दे दिया। अब ये डिवाइस सिंक्रोनाइज हो रही है मेरे एक्सेस कंट्रोल के साथ, 100% चली गई डिवाइस, ठीक है। अब ये सिंक्रोनाइज, ये डाटा जो है मेरा किधर चला गया है, ये वाला चला गया आपके डिवाइस के पास। यहाँ से अगर मैं चेक कराऊँ आपको, ये मेरे पास परमिशन के डोर्स हैं, परमिशन कॉन्फ़िगरेशन में ऑफिस डोर के नाम से, ऑफिस डोर में मैंने ये डिवाइस ऐड की हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ से यूजर एक्सेस दी हुई है इंजीनियरिंग में उस्मान और उबैद जो है कंपनी में, जो मैंने ऑलरेडी किया होता, ठीक है। यहाँ से जो है अगर आप देखें तो ये आपको 2 यूजर दिखा रहा है, उस्मान और उबैद, ठीक है। अब आपकी यूजर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। ये अब जो जब आपके पास वो एक चली थी प्रोसेस की, उस वक्त वो सिंक्रोनाइज कर रहा था अपना जो डाटा है परमिशन का, वो डिवाइस के साथ सिंक्रोनाइज हो रहा था, ठीक है। अब हमारा पर्सनल मैनेजमेंट का टैब हो गया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट प्रोसीजर क्या था, गाइड में अगर देखूँ तो अटेंडेंस शिफ्ट, अटेंडेंस शिफ्ट जो है बनाने के लिए पहले जो है मुझे टाइम अटेंडेंस पीरियड बनाना पड़ता है। अटेंडेंस पीरियड ऐड कराऊंगा तो ये अटेंडेंस पीरियड में मुझसे पूछता है कि ये टाइम जोन क्या नाम रखना है इसका, टाइम जोन या शिफ्ट का जो है क्या वो बनाना है मैंने नाम। मैं कहता हूँ कि जी ये है मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है। और आप इसको शिफ्ट को कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी मल्टीपल शिफ्ट चलते हैं, ग्रीन दे रहा हूँ कलर, ठीक है। इसमें 2 मोड है, फिक्स मोड है, फिक्स मोड में आपकी जो आप टाइम सेट करेंगे उसको एज इट इज रिकॉर्ड करेगा, लेट साइन इन, लेट साइन आउट, अर्ली साइन इन, अर्ली साइन आउट, और 60 मिनट के बाद जो है ओवर टाइम करे, या कितनी देर के बाद जो है अगर साइन आउट के टाइम का जो खत्म है लिमिट, उसके बाद कितनी देर के बाद जो है वो ऑफ ड्यूटी के बाद वो ओवर टाइम काउंट करे, वो भी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा फ्लेक्सीबल, फ्लेक्सीबल जो है ये चीज जो है अभी आई थिंक सो कि जो है दूसरे कोई ब्रांड में नहीं दे रहे फ्लेक्सीबल
स्केजलिंग, इसमें क्या क्या आप वर्क और जो है ना सिस्टम बनाते हैं, लिमिटेड या अनलिमिटेड। अगर अनलिमिटेड करते हैं तो किसी वक्त भी वो चेक इन करे, आता जाता रहे, आता जाता रहे, आता जाता रहे, तो वो फर्स्ट इन और लास्ट आउट को काउंट करके पूरा जो है आपको आवर्स जो है वो बता देगा, कैलकुलेट करके, और कितने आवर्स चाहिए आपको, ठीक है, ओवर टाइम करना है या नहीं करना, और ओवर टाइम का कितना लिमिट है, ठीक है। तो ये जो है, ये भी एक अच्छा फंक्शन है। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो और ट्रेनिंग सेशन रखूंगा कि फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग सेशन, फ्लेक्सिबल जो है अटेंडेंस को किस तरह से यूज करते हैं। अभी हम फिक्स पे बात करते हैं, ठीक है। फिक्स में क्या है कि अटेंडेंस पीरियड आप किस तरह से बनाते हैं, कि मेरा ऑफिस जो है ना 9 बजे खुलता है, तो मैं कहता हूँ कि 8:30 बजे से जो है अटेंडेंस शुरू हो जाए, और जो चेकआउट टाइम है, जो आपका जो ऑफिस का स्टैंडर्ड टाइम है, वो है 17 से, मतलब कि 5:30 तक, 8:30 से 5:30 तक जो है ये हमारा टोटल टाइम है, 8 घंटे। अगर बंदा यहाँ से यहाँ तक ऑफिस में है तो वो 8 घंटे उसके रिकॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर चेक इन टाइम जो है, देखें किस टाइम स्टार्ट हो डिवाइस चेक इन करना, ताकि जो है वो ओवर टाइम वगैरह वाला भी सीन आ जाए, तो 6 बजे जो है ना इन्होंने कर दिया। आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, 8 बजे करते हैं, 7 बजे से साइन इन, क्योंकि सफाई वाले कभी जल्दी भी आते हैं, ठीक है, कुछ लोगों की जल्दी ड्यूटी होती है, कुछ जो है 8:30 बजे तो ऑफिस स्टाफ आना शुरू होता है ना, क्लीनिंग जेनिटोरियल वगैरह भी तो आते हैं, तो उनकी अटेंडेंस अगर आपने मार्क करवानी है तो उसके लिए आप जो है वैलिड चेक इन टाइम जल्दी कर सकते हैं। और जो है 9 बजे तक मस्ट साइन इन, के 8:30 का टाइम ऑफिस शुरू होता है, तो 9 बजे तक वो जो है वो आपको क्या करेगा, वैलिड चेक इन टाइम है, के चेक इन टाइम 30 घंटा 30 मिनट तक जो है वो आपको अलाउ करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है क्या करेगा, वो लेट साइन इन करना शुरू कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है वैलिड चेकआउट टाइम क्या है, कि जो है ना जो हमने वैलिड चेकआउट टाइम रखा होगा ऑफिस टाइमिंग क्या है, 17:30, तो 30 मिनट पहले से शुरू हो सकता है चेकआउट टाइम, और जो है 8:30 बजे तक इन्होंने रखा हुआ है, तो अगर आप 8:30 बजे तक रखते हैं तो 17:30 के बाद जो है वो जो है आपका ओवर टाइम, 17:30 के बाद 1 घंटे के बाद, यानी 60 मिनट के बाद ड्यूटी टाइम जो ऑफ होगी, तो उसके बाद ओवर टाइम शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसीजर है। और चेकआउट टाइम में भी हम जो है, फिर ये अटेंडेंस रूल में आता है कि लेट साइन इन 5 मिनट इज परमिटेड, चेक इन टाइम के 5 मिनट तक जो है ये आपको परमिट करेगा, 9:05 तक आप चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेट साइन इन ओवर 120 मिनट्स, या जो भी आपने सेट करना है, कि 2 घंटे के बाद अगर कोई आ रहा है, 9 से 11, 11 बजे कोई आ रहा है, तो वो जो है उसको एबसेंट मार्क ऑटोमेटिक कर देगा। अगर आपने ये नहीं करना तो आप ये इसको 0 कर दें, ठीक है। इसी तरह अर्ली लीव विद इन 5 मिनट इज परमिटेड, अगर आपका 5 मिनट पहले चेकआउट है तो वो परमिटेड है, और उसको वो जो है मार्क नॉर्मल उसमें कर देगा। लेकिन अर्ली साइन आउट ओवर 120, मतलब कि अगर 2 घंटे पहले जा रहा है कोई, तो उसको भी वो एबसेंट मार्क कर देगा। इसी तरह आप ओवर टाइम किस टाइम स्टार्ट करना चाहते हैं, 0 भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अभी जो है मैं ये डिफॉल्ट सेटिंग कर रहा हूँ, ओके, ये आपकी अब शिफ्ट बन गई, मॉर्निंग शिफ्ट हमारी बन गई है, ठीक है। अब मैं अटेंडेंस शिफ्ट में जाता हूँ, कि अटेंडेंस शिफ्ट क्या चीज है वो मैं आपको समझाता हूँ, कि अब जो है हमने ये रोस्टर बनाना है। रोस्टर से मुराद है कि जो स्केड्यूलिंग आप करते हैं, मैं कहता हूँ कि हमारे पास ऑप्शन है कि अगर फॉर एग्जांपल कभी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें छुट्टी नहीं होती, तो 30 दिन का स्केड्यूल बनाना है आपने। अगर तो डे 1, डे 2, डे 3 कौन सी शिफ्ट देनी है, किस दिन रेस्ट देना है, 3 दिन के बाद एक रेस्ट देना है, 4-5 दिन के बाद एक रेस्ट देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं जो, क्योंकि मोस्टली हमारे पाकिस्तान में जो स्टाइल है वो है वीकली वाला, और वीक कितने साइकिल होना चाहिए, 4 वीक्स का 1 मंथ होता है ना, तो ये वीकली रिपोर्ट आ गई, मतलब ये संडे मंडे उस तरह से अटेंडेंस अब जो है ना हमने असाइन करानी है शिफ्ट इन डेज को। संडे हमारी होती है रेस्ट, अप्लाई कर दिया, ये हो गया रेस्ट असाइन, ठीक है। मैं जो है सारे संडेज को जो है अप्लाई करूंगा रेस्ट के साथ। उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारे होते हैं आपके
वर्किंग डेज, और वर्किंग डेज में आपको कौन सी शिफ्ट असाइन करनी है, मॉर्निंग जो हमने स्केड्यूल बनाया था, ठीक है। अब ये हमारा जो है अप्लाई हो जाएगा मॉर्निंग शिफ्ट, देखिए ग्रीन हो गया ये हमारा हो गया, अब स्केड्यूल बन गया, रोस्टर बन गया, ठीक है। रोस्टर ये बन गया हमारा शिफ्ट सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। अब ये असाइन भी तो करनी है ना, किस यूजर को मॉर्निंग शिफ्ट में करना है, जब मल्टीपल होंगी तो जारी बात है आपको मल्टीपल करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर ये भी तो हो सकता है ना, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, ठीक है। तो ये साइकिल जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें आप मल्टीपल बना सकते हैं, 2, 3, 4, 5 जितना भी आप चाहते हैं बनाना, ठीक है। आप जो है मैंने मॉर्निंग का साइकिल भी बना दिया, ठीक है, उसकी टाइमिंग्स का भी आ गया, अब उसमें रेस्ट रेस्ट आ गया, ठीक है, संडे को। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो है अटेंडेंस, अब असाइन करनी है, रोस्टर असाइन करना है हमने, ठीक है। अब रोस्टर असाइन करने का तरीका क्या होता है कि जो है आप शिफ्ट स्केड्यूल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, कितनी देर के लिए करना है, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि 1 जून, नहीं सॉरी आज से कर लेते हैं ना, मई आज है 29, सॉरी 30 है, 30 से मैं चाहता हूँ कि 30 मई से शुरू हो और 30 जून तक, क्योंकि कल आखिरी, आज आखिरी दिन है ना मंथ का आज, तो ये 30 मई से 30 जून तक जो है 1 मंथ की अटेंडेंस की शिफ्ट बना रहा हूँ, और शिफ्ट कौन सी, मॉर्निंग शिफ्ट का बना रहा हूँ, मॉर्निंग शिफ्ट का रोस्टर बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने मॉर्निंग शिफ्ट किस किस को साइन करनी है, मैंने करनी है उबैद और उस्मान दोनों को, ठीक है, ओके किया। अब ये देखें आपके पास, क्योंकि आज एक दिन आखिरी दिन है, सॉरी ये बिजनेस मैंने पहले बनाया हुआ था, शायद इसको जो है ना डिलीट कर देते हैं, सॉरी ये, चलो मैं बाद में कर देता हूँ, आपको समझाऊंगा जब तो समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा अब देखें 30 मई की आज की शिफ्ट आ गई, उसके बाद ये आ गई, ये देखिए अब ये रोस्टर लग गया, किस किस का, अगर मैं उबैद को सिलेक्ट करूंगा उबैद का आ जाएगा, उस्मान को सिलेक्ट करूंगा उस्मान का आ जाएगा, ठीक है। अभी क्योंकि दोनों का सेम है तो दोनों का सेम ही आ रहा होगा, ये रोस्टर जो है आप स्नैपशॉट लेके दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा खैर, अब हमारी शिफ्ट भी असाइन हो गई है, इसमें कुछ और ऑप्शंस भी हैं, लीव और बिजनेस ट्रिप। अगर आपने रोस्टर में लीव्स देनी है या कोई एनुअल लीव अप्लाई कर रहा है, तो वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं ऐड, जैसे उबैद का मैंने बिजनेस ट्रिप पहले भी बनाया होता, तो मैं दोबारा बना सकता हूँ कि टाइमिंग्स लीव है या बिजनेस ट्रिप है, बिजनेस ट्रिप है तो ऑन बिजनेस ट्रिप, रिमार्क्स में कुछ भी दे देते हैं, गोइंग टू इस्लामाबाद ट्रेनिंग्स, ठीक है। और ये मैंने दे दिया, सॉरी 1 जून को, 1 जून को मैंने बिजनेस ट्रिप बना दिया, ठीक है, ओके हो गया। बिजनेस ट्रिप उबैद का बन गया, अब देखें उबैद का बिजनेस ट्रिप है, उस्मान का नॉर्मल है, ठीक है। अब बिजनेस के ऊपर जो है ये बिजनेस लिखा हुआ आ गया। इसी तरह अगर किसी को लीव देनी है, जैसे उस्मान को मैं दे देता हूँ 2 जून की छुट्टी, 2 जून, ठीक है, 2 जून है, लीव है, ठीक है, कौन सी लीव टाइप है ये आप ऐड भी करा सकते हैं। एक और ऑप्शन है, वहां से आप ये वाली कैटेगरीज कर सकते हैं, पर्सनल लीव, सिक लीव, मैटरनिटी, होम लीव, पर्सनल लीव कर देते हैं, ठीक है। पर्सनल लीव में है कि ड्यू टू ब्रदर्स मैरिज, सॉरी, ठीक है, ओके हो गया। अब जो सॉरी पर्सन पर्सन सेलेक्ट नहीं है, उस्मान, ठीक हो गया। 2 जून की उस्मान को हम छुट्टी दे रहे हैं, अब देखते हैं उस्मान की लीव है 2 को, ठीक हो गया। ये अब आपकी लीव्स और इस तरह से रोस्टर में जो आप ऐड करते जाएंगे वो आपको यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है अटेंडेंस प्रोसेस। अटेंडेंस प्रोसेस क्या है आपका, कि आप जो लीव्स और जो नॉर्मेलिटीज हैं वो यहाँ से ऐड करेंगे। अगर आपके स्केड्यूल में नहीं थी वो, स्केड्यूल में उसने बताया नहीं आपको, लेकिन आप को ये पता कि आपने बाद में ऐड करनी है बिजनेस ट्रिप या उसकी लीव या कोई
कोई भी वो कहता कि मैं आया था सर 9 बजे, लेकिन मेरे हाथ पे कट आया था तो मैं अटेंडेंस नहीं लगा सका। तो आप जरिए बता किसी तरीके से वेरीफाई करेंगे लोगों से पूछ के, या जो भी आपके कैमरा वगैरह लगे हैं तो उससे वेरीफाई करके यहाँ पर आएंगे, एबनॉर्मलिटी या लीव एंड बिजनेस ट्रिप, ठीक है, यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं। एबनॉर्मलिटी अगर मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या मेरे पास है कि साइन इन का मुझे इशू था ना, तो साइन इन में कितने बजे हुआ वो आप मैन्युअली यहाँ से देकर रिमार्क्स लिख के और ओके करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसका साइन इन दे देगा, ठीक है। अगर वो 10 बजे उसका मतलब कि फॉर एग्जांपल 9 बजे ऑफिस शुरू होता है, आपने किसी बंदे को 7 बजे साइट पे भेज दिया था, ठीक है, 7 बजे जब आपने साइट पे भेज दिया था तो वो आया वापस 10 बजे, 10 बजे वो आपकी जब अटेंडेंस लगाता है तो वो तो सिस्टम तो उसको अबनॉर्मल कर देगा ना, तो वो यहाँ से फिर एबनॉर्मल में उसको फिर आप यहां से मैन्युअली जो है उसको एडजस्ट करेंगे। ये रूल अवेलेबल है हमारे सॉफ्टवेयर में, ठीक है। इसी तरह बिजनेस ट्रिप है, लीव है, वो बाद में भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अटेंडेंस स्टेटिक्स। स्टेटिक्स में आपके पास क्या-क्या चीजें अवेलेबल होती हैं, वही डिवाइस की जो स्टेटिक्स आ रहे होंगे कि कौन सी डिवाइस पे हमने किया था। स्टेटिक्स में ये मैंने एक जो है रिकॉर्ड जो है, क्योंकि मैंने 10:30 बजे लगाया था, वो एबसेंट मार्क कर दी थी उसने, तो मैंने मॉडिफाई करके उसको 8:30 बजे दोबारा से किया मैन्युअली, ठीक है। इसी तरह और भी कुछ आ रहे हैं कि अननोन अलार्म्स, क्योंकि ये 11:28 पे जब पंच किया है कार्ड वैद के नाम से, तो उसके बाद ये क्या कर दिया उसने, अबनॉर्मल कर दिया। जहरी बात है, इनको या तो मैं ठीक करूं जाके मैन्युअली, या फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इनको ऐसे ही रहने दूं, ठीक है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद अटेंडेंस स्टेटिक्स में आपके पास जो है ऑप्शंस जो अवेलेबल है वो एबनॉर्मेलिटीज को भी आप देख सकते हैं कि ऐड करा सकते हैं यही यहाँ से भी। और दूसरा ये कि आपने अगर देखने हैं कि सॉरी ये अप्रैल का हुआ है, यकुम से लेकर 30 जून का हमने बनाया था, ये 1 मंथ का जो है। इसमें देखिए अब जो है हमारे पास 30/5/2020 का जो है यहाँ पर जो है डिटेल्स आ रही हैं कुछ, ठीक है। उसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि जो है ना उस्मान ने, क्योंकि हमने उस्मान का यूजर बनवाया बाद में और उसने अभी साइन इन भी नहीं किया, साइन आउट भी नहीं किया, तो इसने ऑटोमेटिकली इसको एब्सेंट मार्क कर दिया, ठीक है। अच्छा, और जो है ना मेरा जो है 30 तारीख का जो है ना बिजनेस ट्रिप है, बिजनेस ट्रिप लीव या बिजनेस ट्रिप का अलग से भी आ सकता है। उसके बाद जो है सारू का अगर देखना है तो ये आप देख सकते हैं, इसमें एबनॉर्मलिटीज भी आ रही हैं, नॉट साइन इन नॉट साइन आउट, ठीक है। अगर किसी ने कोई साइन आउट नहीं किया, साइन इन नहीं किया या साइन आउट नहीं किया, तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से एबनॉर्मलिटीज में जाके उस्मान को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उस्मान को सिलेक्ट करेंगे तो मैं कहता हूँ कि इसने साइन इन किया था, साइन इन तो नहीं किया, मतलब डिवाइस पे नहीं किया, वैसे आ गया था लेकिन भूल गया अटेंडेंस, तो मैं कहता हूँ कि फॉरगॉट टू मार्क अटेंडेंस ऑन डिवाइस, ठीक है, तो इसको साइन इन कर दो 29 तारीख को, ये अब इसने मार्क कर दिया, ये मैन्युअली मैंने। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है रिपोर्ट। रिपोर्ट जो है ये सॉफ्टवेयर की खूबी को बढ़ाता है। आप किसी भी यूजर का या सारे यूजर्स का इकट्ठा किसी भी तरह का, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 रिपोर्ट्स जो है आप निकाल सकते हैं। कैसी रिपोर्ट होगी अभी मैं आपको देखता हूँ। और सॉफ्टवेयर के अंदर अपना बिल्ट इन पीडीएफ व्यूवर है, रिकॉर्ड में देखना है 29 से यहाँ पर मैं डेट टाइम सिलेक्ट करता हूँ करेक्ट 30 तक, ठीक है, रिकॉर्ड ये पीडीएफ खुल गया, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर खुल गया। अब ये जो है इसमें सारी डिटेल आ रही है मेरी कि 30 जून 30 मई को मैं बिजनेस ट्रिप पे हूँ, ठीक है, तो उसने साइन इन भी मार्क कर दिया, साइन आउट भी मार्क कर दिया, क्योंकि बिजनेस ट्रिप है ना, तो बिजनेस ट्रिप पे ऑटोमेटिकली साइन इन वही सेम टाइम जो आपने रखा होता है वही मार्क कर देता है। इसी तरह मैं देखता हूँ डेली रिपोर्ट। डेली रिपोर्ट में क्या है, उबैद के 8 घंटे थे, ओवर टाइम 0, रेस्ट 0, एबसेंट 0, क्योंकि मैं बिजनेस ट्रिप पे हूँ 30 तारीख को,
ये डेट ऊपर आ रही है कि 1 मई से लेकर 30 मई तक, क्योंकि हमने आज ही बनाया 30 मई, तो 30 मई की सिर्फ रहेगी ना, बाकी सारे तो स्किप हो गए हैं, स्केड्यूल में नहीं थे। ठीक है, तो ये हमारी आ गई डेली समरी रिपोर्ट। ठीक है, ऑर्स के लिए एक्चुअल ऑर्स कितने थे, लेट अर्ली लीव लीव एंड बिजनेस है या नहीं है, क्योंकि ये लीव एंड बिजनेस ट्रिप था, तो 8 घंटे इसके पूरे मार्क हो गए। ठीक, और जो एबसेंट था वो उसके ये कि जो है आपके 8 घंटे उस्मान के, क्योंकि उस्मान ने साइन इन साइन आउट नहीं किया, तो ये 0-0 आपके मार्क हो गए। ठीक है, ये बंद कर देते हैं। अच्छा, फिर यहाँ से जो है हम इसको पीडीएफ फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल शीट में भी कर सकते हैं, तो ये इसमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं पीडीएफ में करके दिखाता हूँ आपको, डेस्कटॉप पे डेली समरी रिपोर्ट। ठीक है, ये सेव हो गया, ये आ गया, ये वही शीट है, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ट इन इसमें कन्वर्टर है, एक्सेल शीट में करना चाहे वो एक्सेल में कर लें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद टाइम कार्ड में भी दो ऑप्शन, दो तीन ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपके पोर्ट्रेट में आ गया कि नेम उबैद, उसके बाद स्टैंडर्ड ऑर्स 1 से 30 मई तक के स्टैंडर्ड ऑर्स कितने थे। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन बनता है हमारा आज का, क्योंकि हमने शिफ्ट आज बनाई थी, तो उसके हिसाब से जो है उस्मान और ये सारे जो यूजर्स होंगे उनका पीडीएफ फाइल में आपको दिखा देगा ये। उसके बाद अर्ली ओवरव्यू देखना है, अर्ली ओवरव्यू देख लें, डिपार्टमेंट नेम आ गया इंजीनियरिंग। ठीक है, उस्मान स्टैंडर्ड और इतने, एबसेंट और इतने, ठीक है, एक्चुअल और इतने, बिजनेस ट्रिप सारा कुछ, ये डिटेल आ गई। डेली अटेंडेंस में अगर जाएं, डेली अटेंडेंस में आपके पास इस तरह से कुछ आएगा, फ्राइडे सैटरडे, तो इस तरह से ये आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि हम, क्योंकि 30 तारीख को, 30 तारीख को हमने ये कुछ कोड्स भी हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये रीड करते हैं। ठीक, ये पूरी जो है आपके पास अटेंडेंस शीट आ जाएगी, सारी कंपनी की जो भी आपके यूजर्स होंगे उनकी एक ही उसमें आ जाएगी, अटेंडेंस टाइम आ जाएंगे। ठीक है, ऑर्स के साथ और स्टैंडर्ड ऑर्स कितने थे, ठीक है, मार्क हो जाएंगे वो सारे। ठीक है, उसके बाद मंथली ओवरव्यू, मंथली ओवरव्यू में आपके पास क्या आएगा पूरे डिपार्टमेंट में, उसके साइन इन चेक इन चेक आउट टाइम डेली का। ठीक है, उसके फिर ऑर्स कैलकुलेट आएंगे। ठीक है, इसी तरह एबसेंट्स वगैरह उसकी मार्क हुई भी आएंगी। उसके बाद अटेंडेंस कार्ड है, अटेंडेंस कार्ड में जो है हमारे पास जो है डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद जो है फ्री अटेंडेंस, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर नहीं की हुई अभी, फ्लेक्सिबल जिसको मैं कह रहा था। उसके बाद अर्ली लीव की कोई अवेलेबल नहीं है, लेट की अभी कोई अवेलेबल नहीं है, इसी तरह एबसेंट की रिपोर्ट आ जाएगी, एबसेंट की रिपोर्ट, क्योंकि उस्मान की मैंने एबसेंट लगाई है 30 तारीख की, लीव थी तो वो जो है ड्यूरेशन जो है उसका टोटल क्वांटिटी ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, एब्सेंट ड्यूरेशन टोटल क्वांटिटी, वो जितने भी लोग एब्सेंट होंगे तो उसकी जो है रिपोर्ट आ जाएगी, जिस डेट से जिस डेट तक कि आप अटेंडेंस रिपोर्ट मांगेंगे। ठीक है, उसके ब्रेक क्योंकि हमने कन्फिगर नहीं की हुई, ठीक है, ओवर टाइम ओवर स्टे वो भी नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास है नहीं। अच्छा, ये एक अच्छे ऑप्शन है, एम्प्लॉय डिटेल्स जो है आपके पास, ये जो है आपने जो कॉन्फ़िगरेशन की थी, कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता हूँ, जो ऐड की थी आपने यूजर्स की, ये वो रिपोर्ट कार्ड है। अब जैसे उस्मान का मैंने जो डाटा डाला था वो ये है, एम्प्लॉय नंबर 2 उस्मान इंजीनियरिंग, ये डेट ऑफ बर्थ मेल, ये इधर तस्वीर भी आ जाएगी, इसको भी आप जो है फेच कर सकते हैं पीडीएफ फाइल में या एक्सेल शीट में। आप जो है ना अगर इसको फेच करना चाहें तो ये एम्प्लॉय डिटेल्स भी आपकी, एक दफा जब आप बना लेते हैं तो इसको आप जो है पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा आपके पास पूरा रिकॉर्ड जो है पीडीएफ फाइल में आ जाएगा, आपके एम्प्लॉयज का डाटा। ये भी एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है हमारे इस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, यूजर्स की आप जो है सेंट्रलाइज जो है वो बना सकते हैं लिस्ट, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन में सिर्फ स्टैंडर्ड चीजें आ रही है, उस्मान है, रिक्रूटमेंट डेट, डिसमिसल मतलब कि जब खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद जो है एम्प्लॉय स्केड्यूल,
स्केड्यूल अगर देखा जाए, ठीक है, 1:05 से 30:05 तक, क्योंकि एक ही दिन का था स्केड्यूल, तो ये आपका जो है पूरा स्केड्यूलिंग आ जाएगी यहाँ पर, लीव्स और वो सारा कुछ, ठीक है। तो ये हमारी रिपोर्टिंग थी। उसके बाद हॉलीडेज अगर आपने ऐड करने हैं वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, हॉलीडे के नाम, लेंथ कितनी है उसकी, ठीक है, जैसे ईद वगैरह है। उसके बाद जो है ये कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं कि इसमें हम जो है अटेंडेंस कैलकुलेशन रूल क्या कर सकते हैं, राउंड अप और राउंड डाउन। फॉर एग्जांपल, इफ चेक इन टाइम इज 9:00:01, इट विल बी रिकॉर्डेड एज 9:01। 1 सेकंड ऊपर जाए तो ये 9:01 कैलकुलेट करे, या राउंड डाउन मतलब कि 1 सेकंड ऊपर हो स्टिल 9 बजे काउंट करे, तो ये भी आप कर सकते हैं, राउंड ऑन, राउंड अप या राउंड ऑन। मिनिमम यूनिट इज 1 मिनट। अगर आप 1 सेकंड ऊपर रखते हैं अप करेंगे तो वो अगले मिनट में काउंट होगा, अगर 1 सेकंड नीचे रखते हैं तो ये 0 पे काउंट होगा, ठीक है। लीफ टाइप्स में यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं लीफ टाइप, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है, बिजनेस ट्रिप लीव्स, ठीक है। इधर जो है आप जो है इसको कह सकते हैं कि जी वेडिंग, ठीक है, तो ये भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बिजनेस ट्रिप्स में आप जाए अगर के किसी तरह की और लीव बनाना चाहते हैं आउट स्टेशन, ताकि आपको एक क्लियर वर्किंग जो है ना अवेलेबल हो जाए रिपोर्ट डिस्प्ले। इसमें ये आपके सिंबल्स हैं, जेड का मतलब कि नॉर्मल वर्क, एक्चुअल वर्क ये आप चेंज भी कर सकते हैं सिंबल्स, एक्चुअल वर्क लीव है तो वाई, जेड और वाई का मतलब है कि नॉर्मल वर्क और बिजनेस ट्रिप, ठीक है, और अगर सिर्फ वाई है तो मतलब कि जो है लीव है। उसके बाद एल है लेट, अर्ली, एबसेंट, यू, अगर जेड यू है, वाई यू है तो एबसेंट है और लीव है, वाई जेड यू है तो जेड और वाई है तो ये बिजनेस ट्रिप बन जाता है, जो मैंने अभी रिपोर्ट में भी दिखाया था। एल लेट है, उसके बाद ब्रेक है तो जी है, ये चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको रिपोर्ट में कि वो क्या थी चीज। इसमें नहीं था, वो था अटेंडेंस कार्ड, शायद नहीं यहाँ पर नहीं था। नहीं, मेरे ख्याल में मैंने आपको दिखाया था जेड यू और वो जो है ना अटेंडेंस प्रोसेसिंग, पर एनीवेज जो है ये आप जो है ना एक्सप्लोर इसको मजीद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज की हमारी ट्रेनिंग का सेशन, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप इससे काफ़ी चीज़ें सीखेंगे और इसको प्रमोट करेंगे अब एज अ प्रोडक्ट। तो जो आपकी वो जो शिकायत थी कि जो है धावा के पास अपना सॉफ्टवेयर अटेंडेंस सिस्टम नहीं है, तो वो अब हमने मॉड्यूल बनाकर जो है ये आपके फीडबैक से ही होता है सब कुछ, ठीक है। तो पाकिस्तान की टीम ने जो फीडबैक जो दिया था उसके ऊपर वर्किंग हुई है, थोड़ी सी हेडक्वार्टर ने डिसीजन लिया है कि दिस इज राइट टाइम कि हम अटेंडेंस सॉफ्टवेयर रिलीज करें। तो ये फर्स्ट वर्जन है, अगर कोई भी आपको मसला होता है, कोई बग आता है, तो आप मुझे फौरन बताएं और उसको इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द रिजॉल्व करेंगे। इसमें कोई इंप्रूवमेंट चाहिए आपको, कोई मजीद फंक्शन ऐड करवाना चाहते हैं तो वो भी मुझे आप फीडबैक भेज सकते हैं। ईमेल आईडी मेरा नोट कर लें आप, UBAID.MASOOD@dhawatech.com, ठीक है। और ये ट्रेनिंग जो है मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा आप लोगों की आसानी के लिए, कि आप नेक्स्ट टाइम अगर देखनी हो दोबारा से तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में दोबारा मिलेंगे आपसे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।